एक 8000 वाली डील और एक स्मॉल डील हाइड्रा फिशर की, जिसमें है हाइड्रा फिशर, इटालियन पॉलिशर, हैंड पॉलिशर, नेक पॉलिशर, डीप नेक मसाज, जो कि बनता है 8000, लेकिन आपको डील दी गई है सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपए में। चलिए जी, इतने मजे की डील मिल रही थी तो मैंने कहा चले हाइड्रा फेशियल करवा लेते हैं, इतना क्या है इसमें, तो यही करवाने निकली हूँ। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो, और अगर आपको पसंद आए तो कमेंट, शेयर एंड लाइक जरूर कर दीगा। और या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये है जी नरगिस ब्यूटी सैलून, जिसकी मुझे ये डील जो है वो पता लगी थी, और कुछ बड़ा करीबी सा कनेक्शन भी है इनका मेरे से, और वो क्या कनेक्शन है आपको फिर कभी बताऊंगी। मैं जा रही हूँ जी इकबाल टाउन मून मार्केट, और यहाँ पे ही इनका अंदर है पार्लर, और यहीं से हमने जी डील करवाई थी। और मेरे साथ मेरी सिस्टर इन लॉ भी थी, जिन्होंने भी इनसे हाइड्रा फेशियल करवाया था और जिन्होंने इनसे मेकअप भी करवाया था। तो उनका मेकअप कर अगर आपको देखना है तो वो मैं आई बटन पे लगा रही हूँ। उनकी शादी का मेकअप ज़रूर देखिएगा अगर आपको पसंद आए, इफ़ यू वांट टू सी कि इनका मेकअप कैसा होता है। तो चलो जी, हम रिसेप्शन पर पहुँचे थे और हमने अपनी जो बुकिंग करवाई हुई थी वो हमने उनको बताई, और उन्होंने हमें कहा जी बैठ कर इंतज़ार करें। तो इंतज़ार हमने कुछ किया था जी तकरीबन 2 घंटे के 3 घंटे। हाँ, कितनी देर हमने वेट किया था? हम 5 बजे गए थे और 8 बजे आए थे। हाँ जी, 5 बजे हम गए थे और 8 बजे हमारी बारी आई थी। बहुत ज़्यादा वेट किया था। खैर, मून मार्केट काफ़ी गहमा गहमी की जगह है, तो हम लोग बाहर चले गए थे और बाहर जाके हमने थोड़ी रिफ्रेशमेंट्स ले ली थी, जिससे टाइम स्पेंड हो गया था। बाकी हमें वेट बहुत करना पड़ा था। एनी हाउ जी, ये है जी इनका अंदर से सैलून। अगर आपको देखना हो तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। बड़ी ही साफ़ सुथरी जगह थी, बड़ी ही अच्छी और नाइस प्लेस था, और स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली था। तो हमने जी ये सामने हाइड्रा फेशियल रूम में जाना था। हमसे पहले आई थिंक और भी 2-3 क्लाइंट्स थे जिनका फेशियल हो रहा था। अच्छा, मशीन एक ही थी इसलिए हमें इतना टाइम लग गया हमारी बारी आने तक, और वो हर क्लाइंट को बड़ी अच्छी तरह डील कर रहे थे जी। हाँ जी, तो मुझे अपना एक्सपीरियंस अपने व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर करना, तो व्लॉग तो बनना बनता है जी। तो अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल्स, हाउ आर यू टुडे? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट हाउ आर यू डूइंग टुडे। तो जी, अल्लाह अल्लाह करके मेरी बारी आ गई थी फेशियल करवाने की, और सबसे पहले उन्होंने मुझे इटालियन पॉलिशर लगाया था, और ये फेस, हैंड और नेक और पीछे बैक पे भी अप्लाई किया था। तो इसके बाद मुझे आई थिंक 15 to 20 मिनट्स वेट करना पड़ा था, उसके बाद शी वाइप इट ऑफ। और यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि आम नॉर्मल घर में किए हुए फेशियल में और हाइड्रा फेशियल में क्या फ़र्क होता है। जैसे इसके नाम से आपको पता चला है, इट्स हाइड्रा यानी कि हाइपर, कुछ बहुत ही इंटेंस ये फेशियल होता है, और ये सारा फेशियल जो होता है ना एक मशीन के थ्रू होता है, और वो मशीन आपको जो नज़र आ रही है इसमें तकरीबन कोई 7 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आपकी स्किन की क्लिनजिंग की जाती है, आपकी ब्लैक हेड्स रिमूव किए जाते हैं, आपकी डेड स्किन रिमूव की जाती है, फिर आपकी स्किन को हाइड्रेशन दी जाती है, और बहुत हद तक वाइटनिंग भी हो जाती है, क्योंकि स्किन से जब डेड स्किन और मैल खत्म हो जाती है तो डेफिनेटली आपको वाइटनिंग इफेक्ट भी नजर आता है। उसके बाद मेरा हो रहा है यहाँ पे मसाज, तो जब भी आप मसाज करवाएं तो करने वाले को जरूर बताएं कि आपको कहाँ ज्यादा जरूरत है मसाज। अच्छा, ये पीछे की वजह ना, ये जो नेक के साथ वाली लाइन ये नहीं नहीं नीट की बात नहीं कह रही, मुझे यहाँ ज्यादा स्ट्रेस होता है। आप जहाँ कह रही है ना यहाँ मुझे पेन नहीं है, मेरी ना यहाँ पेन होती है, ये चीज एग्जैक्टली। अच्छा, आप जो सबसे इम्पोर्टेंट काम ये करती है ना, अपनी स्किन को ऑक्सीजन देती है, आपकी स्किन के सेल्स को रिजुविनेट करती है और उनको जैसे ना जगा देती है मशीन के थ्रू, और जिसका रिजल्ट जो है आपको बहुत डीपली नजर आता है। मैंने हाइड्रा फेशियल का नाम आज से कोई तकरीबन 3 या 4 साल पहले टीना योंग नाम की एक यूट्यूबर है, सिंगापुर में रहती हैं, उनसे सुना था, और उन्होंने करवाया था कोरिया से। तो इससे वाइटनिंग होती है जी, यानी कि चेहरा निखर जरूर जाता है जी। और आजकल आपके वो सेल चल रही है, ऑफर्स आई हुई है जी, तो ये रमजान में पूरे ऑफर्स चलेंगे। अल्लाह अल्लाह, अच्छा अल्लाह।
So I'm the only and last person who is getting the facial, okay? आई नो मैंने आपको थोड़ी सी सैड न्यूज दे दी है, लेकिन ये है कि चले मैं आपको मशीन जो है वो आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये जी इसके ऊपर आपको 6 जो है वो आपको हैंडल्स नजर आ रहे हैं और 7th ये जो है नीचे मास्क है। ये क्या कर रही है? ये BNS सेक्शन बोलते हैं। ये मेरी चिन पे बहुत ज्यादा। हाँ जी, ये है जी सेक्शन हेड और ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को तो रिमूव करता है, लेकिन साथ ही आपकी स्किन को खींचता नहीं है, उस पर ज़ख्म नहीं करता। क्योंकि इस तरह का एक पहले टूल आया था जिससे लोगों ने यूज़ करके अपनी स्किन पे ब्रूजेस डाल दिए थे, निशान पड़ जाते थे उनकी स्किन पे। तो ये अब सीरम्स के साथ आपकी स्किन को सख्त तो करता है, जिससे आपकी स्किन के ऊपर बड़ी आसान से ग्लाइड हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने मिनी डील ली हुई है, तो मैं आपको कोई बता दूँ, इसलिए ये ज़ोर ज़ोर से और जल्दी जल्दी काम हो रहा है, क्योंकि इट्स अ मिनी डील और जब आप फुल फेशियल करवाएंगे तो वो बहुत ही तसल्ली से और आराम से हर तरह से जो आपकी सेक्शन जो होगी। जी हाँ, मैंने ये ली थी हाइड्रा फेशियल की मिनी डील, इसलिए तमाम सर्विसेज भी थोड़ी मिनी मिनी थी। आई होप आप इस बात को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो वेन यू टेक अ कम्प्लीट डील यू विल गेट द कम्प्लीट प्रोसेस। पर इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई क्वालिटी में फ़र्क आया था, क्वालिटी A1 थी और तमाम सर्विसेज बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री थी। अच्छा, मैंने अब यहाँ पर इनसे पूछने की कोशिश की थी कि आप कौन से प्रोडक्ट्स और कौन से सीरम्स लगा रही थे, तो उन्होंने मुझे एग्जैक्टली तो नहीं बताया था, बट लग रहा था जैसे एलोवेरा जेल टाइप कोई होगा, इसी तरह से लग रहा था। आई रियली डोंट नो कि ये क्या प्रोडक्ट यूज़ की थी। अच्छा, इसके बाद जो अब मशीन यूज़ करने लगी हैं वो है जी बायोपोलर, और ये बेसिकली रेडिएंट फ्रिक्वेंसी पैदा करता है आपकी स्किन को, आपके जो सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करता है। आपकी स्किन प्रॉब्लमेटिक है तो जैसे मेरा अपर लिप्स और चिन एरिया है, तो आप उनको बता दें और वहाँ पर ये टूल जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह इस्तेमाल किया जाता है। और ये स्किन के लिए क्या करती है? और इस हाइड्रा फेशियल की वैसे क्या प्राइस है? एक्चुअल प्राइस इसकी 20,000। मेरे पास इस तरह का एक टूल है, इसको कहते हैं रेफर रोलर। हाँ, वो धूप में इसको थोड़ी देर रखते तो उसमें ना नहीं, ये बोल रहा था। हाँ जी, नहीं नहीं, दो से दो हाँ एक बार जो जो आप साइज आपके पास है ना वही साइज मिलता है। ये मैंने चाइनीज में बहुत यूज़ करते थे, उनके उनकी वीडियोस में बहुत आता है। इसको क्या कहते हैं? स्क्रैपर। यस, सीबम रिमूवर। इसमें कितनी ड्रोनी वाले आ रहे हैं। हाँ, इसमें से आवाजें आ रही हैं। आपको भी आई? जी, स्क्रेपर जो है ये सेपरेटली भी द्रास पे आई थिंक अवेलेबल है, और ये ना वाइब्रेट करता है और आपके जितने जो पोर्स में गंक होता है उसको वाइब्रेट करके बहुत इजीली उसको स्क्रेप आउट कर देता है। तो इट्स इज़ अ गुड टूल, लेकिन हर चीज़ का एक्सेसिव यूज़ और घर में यूज़ करना आई डोंट थिंक सो सेफ। बाकी ये कि आप प्रोफेशनल से करवा रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपको बेहतर रिजल्ट दे सकता है। निकल रहा गंक? अच्छा, मुझे तो वैसे स्क्रबर बहुत अच्छा लगा था और इस पर बड़ी तफसील से बड़ा डिटेल से उन्होंने हर चीज़ जो है वो रिमूव कर दी थी। उसके बाद ये मेरे फेस पे ये सीरम लगा रही है, यानी कि स्किन को फिर से हल्का सा मसाज दे रही है, और उसके बाद हम आप यूज़ करेंगे जी नेक्स्ट टू सीरम। अच्छा,
इसी के ऊपर क्रीम लगा लेंगे जी। ये कौन सी मशीन है? मतलब इतने सारे औजारों के बाद जो फिर भी मैं चिट्टी ना आई व्हाइट तो नहीं होगी, सिर्फ ग्लो आएगा उससे स्किन ब्राइट हो जाती है। जो आपको मैम ने दिया है वो कितने का है? 4000 का क्लींजर है और 4000 की क्रीम है। टूल को कहते हैं जी अल्ट्रासाउंड मशीन, और ये बेसिकली आपकी स्किन के अंदर सीरम्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ये जो आपने लास्ट वाला किया ना, ये बहुत मजा है। ये हाँ, ये आईज के पास किया ना, ये बहुत मजा है। इसको थोड़ा नेक पे नहीं करेंगे? नहीं, नेक पे ही करेंगे। ये डिफरेंट है जी, ये लास्ट तक होता है, इसके बाद आपका ये मास्क होता है। जी इस टूल को कहते हैं जी कोल्ड हैमर, और ये बेसिकली आपकी स्किन को टाइट करता है, आपके स्किन को रिंकल फ्री करता है, आपके पोर्स को श्रिंक करता है। यानी कि जो मास्क जो काम करते हैं, अब ये मट मास्क जो बेसिकली काम करता है, वही काम जो है वो मशीन कर रही है, तो वो कितना इफेक्टिव होगा। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया हाइड्रा फेशियल करवा के, चाहे वो मिनी मिनी क्रिएचर फॉर्म में था, बट इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस ऑल इन ऑल। और इस फेशियल का इफेक्ट कितनी देर तक रहता है? 20 days, 25 days तक चले जाते हैं। जिस तरह गर्मी या पसीना वगैरह तो रहेगा, ईद गुजर जाएगी ना। हम यहाँ पर जो ये होम केयर का नाम ले रही है, इट मींस कि घर जाके अपने स्किन को फिर से ट्रीट करना है, और इस फेशियल को लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाना है वो भी बहुत जल्दी आपके साथ किसी वीडियो में शेयर करूंगी। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल सो यू डोंट मिस आउट। ये मास्क ना मैंने हुदा ब्यूटी को देखा था, सबसे पहले उसने ये दिखाया था। ये सम काइंड ऑफ लाइट मास्क है, सच बताऊं तो मुझे भी इतना खास इसके बारे में नहीं पता, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देगा। बहुत कम लोगों ने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी होगी। एनी हाउ, अगर आपने यहाँ तक आ गए, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर ऑफ दीज फन वीडियोज। और इसके बाद की ट्रीटमेंट जो है वो भी अगर आपने देखनी है तो सब्सक्राइब करना जरूरी है जी। मैंने उस वीडियो में बताया है कि आपने हाइड्रा फेशियल के बाद अपनी स्किन पे क्या लगाना है ताकि आपकी स्किन जो है वो बेहतर से बेहतर और अच्छी होती जाए। चलो जी, फेशियल मेरा हो गया है डन, और आई थिंक अभी दे सेड के जितना सीरम लगा हुआ है वो अभी बिल्कुल वॉश नहीं करना और इसको इसी तरह रहने देना, देन वी विल सी द रिजल्ट। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैसा हुआ मेरा फेशियल और आपको अच्छा लगा। इफ़ यू इंटरेस्टेड देन तो मैं आपको कमेंट सेक्शन के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इसका एड्रेस और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर दूंगी। सो या दिस इज माय होल वीडियो, होप यू लाइक माय वीडियो, इफ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड द लव वंस अराउंड यू। और दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट दे वर यूजिंग ऑन मी एंड दिस इज द हाइड्रो मशीन। सो मुझे तो बहुत मजा आया करवा के, सो या आई रियली लाइक इट।